गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है मेरा लास्ट डे और आज हमारी 5 बजे की ट्रेन है, तो हमें निकलना है यहाँ से। तो बड़ा ही सैड सी फीलिंग हो रही है, मन नहीं कर रहा है जाने का। अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे, लेकिन जाना है, काम है। कोई बात नहीं, जल्दी आ जाएंगे वापस। लेकिन जितने भी दिन यहाँ पे रहे, बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं अराउंड 8 और मैं यहाँ गार्डन में बैठ के गार्डन का मज़ा ले रही हूँ, क्योंकि कल से फिर से वही रूटीन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आज मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग यहाँ पे गार्डन में। और मैं अपना पी रही हूँ लौकी का जूस। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपना धनिया वाला पानी पी लिया था, और अभी उसके आधे घंटे के बाद एम्प्टी स्टमक मैं पी रही हूँ अपना लौकी का जूस। किसी ने मुझसे पूछा था कि धनिया का पानी आप क्यों पी रहे हो, वो मैं इसलिए पीती हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है, मुझे पता चला है कि जिनको थायराइड होता है उनको वो पीना चाहिए। इट्स यूज़फुल, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, तो मैं इसलिए पी रही हूँ कि कुछ ना कुछ फ़ायदे तो होंगे ही इसको पीने के, तो लेट्स ट्राई दिस। तो इसलिए मैंने धनिया का पानी शुरू किया है। मिस करूंगी मैं इसको, इन मॉर्निंग्स को। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, ब्रेड, अंडा एंड चाय। दिखाती हूँ, चिड़िया आ गई। ये बर्ड्स के लिए पानी रख दिया है। तो आज का प्लान ये है कि सबसे पहले तो मुझे कपड़े धोने हैं अपने थोड़े से, तो मैं वॉशिंग मशीन में वो डालने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और अब मुझे निकलना है। थोड़ा सा ना काम है यहाँ पे लोकल मुझे, तो हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद मैं ना आपको अपनी जोधपुर की शॉपिंग दिखाती हूँ। मैंने ना बहुत सारी बेडशीट्स और कुछ कुशन कवर्स वगैरह वहाँ से ख़रीदे हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगी। फिर आज जाना भी है, 5 बजे ट्रेन है, तो उसके लिए पैकिंग भी करनी है, तो आज बहुत सारे काम हैं। सो यार, लेट्स स्टार्ट द डे। मुझे अपने गार्डन में ये ट्री सबसे सुंदर लगता है, ये ना डेट्स का ट्री है, सबसे सुंदर मुझे ये लगता है। फिर ये नीम ट्री है यहाँ पे, और ये है पपीता, पपीता ट्री भी है यहाँ पे। यहाँ पे हमने ना ये छोटा सा वो बना दिया फेंसिंग, इसके अंदर ना प्लांट्स लगाएंगे खूब सारे। सो वी हैव कड़ी पत्ता ट्री, किसी ने लगाया होगा हमसे पहले जो यहाँ रहता होगा, और कितना हेल्पफुल है। अब ये कड़ी पत्ता भी है यहाँ पे, तो बस फ्रेश कड़ी पत्ता तोड़ो और सांभर बनाओ, दाल में तड़का लगाओ। तुलसी प्लांट भी है यहाँ पे। ऑल्सो वी हैव लेमन ग्रास। हाई गाइज, आज मैं एक नया प्रोडक्ट ट्राई करने जा रही हूँ। एक्चुअली ट्रैवल करते हुए ना मैंने नोटिस किया कि मेरे पैरों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और इसको थोड़ी क्लीनिंग की जरूरत है, तो इसके लिए आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ ये न्यू प्रोडक्ट्स। और ये है कैलस रिमूवर स्प्रे और एडवांस मॉइस्चर एंड रिपेयर फीट लोशन फ्रॉम प्रो टच स्किन। सो यार, लेट्स सी कैसे हैं ये, इन्हें ट्राई करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द स्प्रे, इसको शेक कर लेते हैं अच्छे से। Now I will start rubbing my feet. Oh my God, guys, it's working. बहुत सारी डेड स्किन निकल रही है, एक्चुअली इट्स वर्किंग यार। क्या डेड स्किन निकल रही है मेरी, ओ माय गॉड, आई एम शॉक्ड। वाओ, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, लुक एट दिस गाइस। मुझे तो पता ही नहीं था इतनी गंदगी है मेरे पैरों में, क्या गंदगी निकली है, एकदम क्लीन हो गए हैं पैर। अब हम लगाने जा रहे हैं लोशन, तो इसको सबसे पहले हमने शेक कर लेना है और स्प्रे करेंगे अच्छे से फीट पे, और इसे जेंटली मसाज करना है। पैरों की स्किन एकदम सॉफ्ट एंड सपल हो गई है, आई एम फीलिंग सो गुड।
मुझे तो ये प्रोडक्ट्स जेन्युइनली बहुत ही पसंद आए हैं, 100% मैं आपको रिकमेंड करूंगी। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, डेफिनेटली गो एंड चेक देम आउट। अब हम खाने जा रहे हैं लंच, तो लंच में बनाया है लौकी की सब्जी, पनीर की सब्जी, दाल, रायता बनाया है कुछ डिफरेंट टाइप से तड़का मार के, और साथ में है सैलेड एंड रोटी। चलो लेट्स स्टार्ट, आज ट्रेन भी है, बहुत जल्दी जल्दी करना है। अब तो बस बाहर जिस काम के लिए गए थे वो हो गया है, अब हम लोग लंच करने जा रहे हैं, उसके बाद मैं अपनी पैकिंग करती हूँ और आपको एक बार जल्दी से शॉपिंग दिखा देती हूँ जोधपुर वाली। चलो अब मैं आपको अपने जोधपुर की शॉपिंग दिखाती हूँ। वहाँ पे एक आर्मी कैंटीन थी, वहाँ हम गए थे, तो वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे प्रिंटेड ना ये बेडशीट्स मिल रही थी और इतने अच्छे रेट्स में। रेट्स ना मैं इनके सबके साइड में डाल दूंगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो फर्स्ट वन इज दिस, कॉटन फैब्रिक में है और इतने प्यारे प्यारे इसमें प्रिंट है, दोनों तरफ प्रिंट है इसमें। और ये है उसका बेडशीट, इसमें ये कोकोनट ट्रीज बने हुए हैं ब्यूटिफुल वाइट बेस में। फिर सेकेंड जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा एक नज़र में वो था ये ब्लू प्रिंट, मुझे ब्लू एंड वाइट का जो ये प्रिंट है ना ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छे रेट्स में मिले और क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, अगेन कॉटन फैब्रिक में। और इसका जो पिलो कवर है उसमें भी आगे और पीछे दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स बने हुए हैं। चलो नेक्स्ट वन, एक और है, ये है ये वाला प्रिंट, इसमें पूरे बेडशीट में सेम यही प्रिंट है, ये देख सकते हो, नाइस प्रिंट। और ये है इसका पिलो कवर, अगेन सेम प्रिंट ही है, दोनों तरफ सेम है। और पिलो के साइजेस देखो, कवर क्या सही है। नेक्स्ट प्रिंट इज दिस, इसमें साइड में ये पाइपिंग भी है, बहुत प्यारे प्यारे बने हुए हैं यार, चेन है इसमें लगा हुआ बिग साइज। और ये है इसका बेडशीट, बेडशीट में ये प्रिंट है, बेज इसका बेस है और फ्लोरल प्रिंट है। फ्लोरल प्रिंट मुझे पता नहीं क्यों इतना अट्रैक्ट करते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं। और ये हमने ना नेशनल हैंडलूम से लिए थे जोधपुर में, तो ये ना कुशन कवर्स हैं, दो मैंने लिए 5x5 का सेट है। और एक ये है, प्यारे प्यारे प्रिंट है। नेक्स्ट वन इज दिस, इतना प्यारा प्रिंट है, लुक एट दिस, बहुत ही प्यारे साइजेस भी हैं इनके। और ये है इसका पिलो कवर और साइड में चेन है। चलते हैं नेक्स्ट बेडशीट की तरफ, ये है सिंगल बेड के, तो ये सिंगल बेड के हैं, सिंपल अच्छे से प्रिंट हैं, बड़े प्यारे प्यारे से। और एक और मैंने ले लिया है सिंगल बेड के लिए, इसमें यहाँ नीचे की तरफ ये बॉर्डर है और यहाँ पे ये है। हाँ नेक्स्ट वन इज दिस, ये वाइट बेस पे है और बॉर्डर लगे हुए हैं इसमें, बहुत प्यारा प्रिंट है, अगेन ये सिंगल बेड ही है, सिंगल बेड के भी मैंने 4-5 लिए हैं। नेक्स्ट ये ब्लू में है, ये मुझे बहुत प्यारा लगा क्योंकि इसमें ना ये एलिफेंट बने हुए हैं और ये नीचे प्रिंट है, तो डिफरेंट है, राजस्थानी प्रिंट है ये, बहुत प्यारे कॉटन बेस पे है, ये दिख रहा है ना अच्छे से। नेक्स्ट है ये वाला, बहुत प्यारा प्रिंट है, इसमें भी ना आगे और पीछे दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट है पिलो कवर्स में। और ये है इसका बेडशीट, इन सब के प्राइजेस मुझे टैग में दिखेंगे तो मैं लगाती जाऊंगी। ये है वाइट बेडशीट, मुझे लेते हुए बहुत डर लगता है वाइट बेडशीट क्योंकि गंदे बहुत होते हैं, बट पसंद बहुत आते हैं। इसमें ये प्यारे से प्रिंट है और ये है इसका पिलो कवर, पिलो कवर में भी सेम प्रिंट बने हुए हैं और पीछे की तरफ इस तरह है, नाइस। दिस ब्लू कलर, सिंपल है ये, इसमें नथिंग फैंसी। और इसके साथ ये एक पिलो कवर है, सिंगल बेड का है ये। और ये ग्रीन है, ये भी सिंगल बेड के लिए ही है और इसमें भी एक पिलो कवर है, तो बस ये एक प्रिंटेड है। और हाँ मैंने एक दोहर का सेट भी लिया था, एक तो मैंने यूज कर लिया। और ये है सेकेंड वाला, इसमें भी ना साइड में ये बॉर्डर है, प्रिंट है और बीच में ये वाला डिजाइन है सारा। तो बस यही था सारा जोधपुर की शॉपिंग, मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने बेडशीट्स ली हैं, पूरी दुकान ही लगा सकती हूँ मैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब बस घर से निकलने के लिए रह गया है मुश्किल से आधा घंटा, पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, मैं लास्ट मिनट पैकिंग कर लूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।